अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप जहाँ रहें शाद रहें आबाद रहें। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बचे हुए सालन से रोटी बनाना शेयर करूँगी, मिस्सी रोटी, वो भी बग़ैर तंदूर के बनाऊँगी। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए लिया है तकरीबन 4 से 5 रोटियों का आटा। इसमें शामिल करूंगी एक प्याज बारीक कटी हुई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाफ टेबल स्पून जीरा और हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया मैंने लिया है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें सूखी मेथी ली है और ये मसूर की दाल। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। हाफ टी स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स शामिल की हैं, तकरीबन हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें सूखी मिर्च का पाउडर शामिल किया है। जी भी बस तकरीबन एक सब्ज़ मिर्च मैंने बारीक काट ली है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके इसे गूंद लूँगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है मैं हल्दी शामिल करूँगी। मुझे इसमें मिर्चें थोड़ी लग रही थी तो मैंने दोबारा से और शामिल की थी। जी व्यूअर्स, ये देखें तकरीबन 2 प्याली के राउंड अबाउट मैंने नमक फैला लिया है डेगची के फंदे में। आटा तकरीबन 20 मिनट रेस्ट के बाद मैं इसका पेड़ा बनाऊंगी अब। जी व्यूअर्स, ये देखें इसको पहले मैं ऐसे करूंगी। जी बस मैंने इसे बेल लिया है बारीक सा। अब मैं एक देसी का जो ढक्कन है इसके ऊपर अच्छे से पानी लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं इसके ऊपर इसे फिक्स कर दूंगी। चले, अब मैं इसे ढक्कन बंद कर दूंगी। जी भी बस ये देखें माशाल्लाह रोटी बन चुकी है। अब मैं इसे देसी घी से चोपड़ लूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूवर्स, आज मैं फुल देसी माहौल बनाऊँगी। ये देखिए साथ रायता है और साथ में अचार है, ये जो मैंने रिसेंट बनाया था अचार, ये वही वाला अचार है। इसके साथ मैंने चाटी की लस्सी भी ली है। व्यूवर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप जहाँ रहें शाद रहें आबाद रहें। व्यूवर्स, एंड पे वही रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको बुरी बलाओं बुरी आफात से महफूज़ फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।